हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में भारत में चाल अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के बारे में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो ट्वेल्थ की पी ब्लॉक है उसमें तीन चार टॉपिक हैं जो आ सकते हैं या आएंगे श्योरली। फर्स्टली स्ट्रक्चर, सेकेंडली ऑक्सो एसिड, बहुत ज़्यादा चांसेज है, और एक वाई वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं और रिएक्शंस आ सकती हैं। बस यही थोड़ा सा बनता है। और अगर बात करें हरियाणा बोर्ड की तो उसमें थोड़ा सा ये नोबल गैसेस के यूजेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वो प्रिपरेशन अमोनिया वो थोड़ा है, बट ये ऑक्सो एसिड वाला इंपॉर्टेंट बहुत है और फ्री के नंबर है स्पेशली स्टेट बोर्ड के लिए। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ, वही ट्रिक है इस क्लोरीन के ऑक्सो एसिड के लिए भी। यहाँ पे जो हमारी ट्रिक लगती है वो लगती है फोर ऑक्सो एसिड्स पे क्लोरीन के। और मैंने आपको बोला था कि आपको मेन ऑक्सो एसिड पता होना चाहिए कि मेन ऑक्सो एसिड कौन सा होता है। तो इसका जो मेन ऑक्सो एसिड होता है वो होता है क्लोरिक एसिड। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो मेन एसिड होता है उसके एक एसिड बना करता है, और इसका फॉर्मूला होता है HClO3। ठीक है, फिर अगर हम एक ऑक्सीजन ज्यादा कर देते हैं, हमने एक ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया, ये हो गया HClO4। मेन ऑक्सो एसिड से जब हम एक ऑक्सीजन ज्यादा कर देते हैं तो उसका नाम हो जाया करता है पर, इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड। फिर अगर हम मेन से एक कम कर देते हैं, मेन से हमने एक कम कर दिया, ये हो गया हमारा HClO2, ये हमारा है क्लोरस एसिड। फिर हमने मेन से दो कम कर दिए, मेन तो हमारा HClO3 था, उससे हमने दो ऑक्सीजन कम कर दिए तो ये हमारा बना HClO। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपो क्लोरस एसिड। ये तो हुए इनके नाम, ये हुए इनके फॉर्मूलास। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, Cl को x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ये +1, ये -2, ये x, क्या आएगा -1 उधर जा गए +1, बिल्कुल सेम यहाँ पे +3, बिल्कुल सेम यहाँ पे +5, बिल्कुल सेम यहाँ पे +7। तो इस तरह से ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसकी बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। देखिए भाई, Cl का जो लिंकिंग होगी वो होगी ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की लिंकिंग होगी हाइड्रोजन के साथ, हर एक केस में ये तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ये है Cl, O, H, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो। ठीक है, फिर ये है Cl, Cl के साथ O, H, फिर ये डबल बॉन्ड कर दो। फिर है ये यहाँ पे Cl, O, H, बाकी डबल बॉन्ड कर दो। तो ये हमारे, हम इस तरह से ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाने वाला है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा मिल जाएगा आप लोगों को। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।